93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। आज मिस्टर मल्होत्रा का ऑफिस में आखिरी दिन था। रिटायरमेंट की प्लानिंग तो उनकी बहुत ही अच्छी थी और उन्होंने सोच के रखा था कि कैसे दिन भर वो पूरे परिवार के साथ गार्डनिंग में और अपने बेटे को उसके बिजनेस में गाइड करेंगे। दफ्तर की गाड़ी भी आज आखिरी बार उन्हें छोड़ने घर तक जानी थी। ऑफिशियल बंगलो तो उन्होंने करीबन 2 साल पहले ही छोड़ दिया था और अपने शहर के बाहर अपने रहने के लिए एक आलीशान मकान बना लिया था। रास्ते में जाते जाते उन्हें अपने करियर के 35 साल का सफर याद आ रहा था। एक एक करके फोन और कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस बार बार आ रहे थे कि तभी एक फोन और आया। फोन उठाया तो उधर से एक आवाज आई, तो यार फैसला अब हम करी। 35 साल की नौकरी में मल्होत्रा साहब ने ऐसे फोन बहुत उठाए और काटे थे, इसलिए उन्होंने इस पे भी ध्यान देना बेहतर नहीं समझा, बल्कि इस फोन ने जैसे घर जाते हुए होती हुई देर का एहसास दिला दिया। मल्होत्रा साहब ड्राइवर से बोले, गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ यार, घर जल्दी पहुंचना है आज। ड्राइवर ने वैसा ही किया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, गाड़ी थोड़ी ही आगे गई होगी कि मल्होत्रा साहब ने देखा एक साइकिल वाला अपनी ही मस्ती में बिना इधर उधर देखे रास्ता पार कर रहा है और पक्का था कि उनकी गाड़ी से लगेगी ही लगेगी। मल्होत्रा साहब इससे पहले कि ड्राइवर से कुछ कहते, साइकिल वाला टक्कर खा के चिटक के बहुत दूर जाकर गया। मल्होत्रा साहब की आंख खुली तो देखा गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल चली जा रही थी। उन्होंने ड्राइवर से पूछा, अभी कोई साइकिल वाला गाड़ी से टकराया था क्या? तो ड्राइवर ने कहा, अरे सर ये शहर से इतना दूर है कि यहाँ साइकिल नहीं चलती, सांप रेंगते हैं सांप। करीबन 1 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि मल्होत्रा साहब के पास वाली खिड़की पे उनके कान के ठीक पास ही किसी ने नॉक किया। इतनी तेज रफ्तार से चलती गाड़ी पे कौन नॉक कर सकता है? ये सोचकर मल्होत्रा साहब ने खिड़की का कांच थोड़ा सा नीचे किया तो एक ठंडी हवा का तेज झोंका उनके चेहरे पर आके लगा और एकदम से तेज हुई बारिश के कुछ छींटे भी आकर लगे। खिड़की के उस तरफ ऐसा कोई नहीं था जो खिड़की के शीशे पर दस्तक देता, इसलिए मल्होत्रा साहब ने अपनी खिड़की के कांच को दोबारा ऊपर तक कर दिया। ब्रजेश को गाड़ी चलाने में कितनी दिक्कत हो रही थी वो मैगजीन पढ़ने में मशगूल मल्होत्रा साहब को तब ध्यान में आया जब उन्होंने गाड़ी के वाइपर्स की आवाज सुनी जो धीरे 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 बहुत आहिस्ता काम कर रहे थे। मल्होत्रा साहब ने पूछा कि अब ये क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ब्रजेश तुरंत बोला, कुछ नहीं सर, मैं अभी देखता हूं। ब्रजेश गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी के वाइपर्स को ठीक करने लग गया। थोड़ी देर तक वो जूझता रहा और फिर मैगजीन पढ़ते मल्होत्रा साहब का ध्यान मैगजीन से एक बार फिर तब हटा जब ब्रजेश की चीख पहले तो गाड़ी के पास से और फिर बड़ी दूर से आती रही। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। मल्होत्रा साहब अपने रिटायरमेंट के दिन ऑफिस की ही गाड़ी में ऑफिस से घर जा रहे थे जब रास्ते में उन्हें फोन पे धमकी मिली
फिर चलती हुई गाड़ी की खिड़की पे किसी के खटखटाने की आवाज और उसके बाद तेज बारिश में गाड़ी के वाइपर्स जब खराब हुए तो ठीक करने उतरा उनका ड्राइवर ब्रजेश अचानक चीखा और उसकी चीख गाड़ी से धीरे धीरे काफी दूर होती गई। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बादल इतने थे कि दिन है या रात यह समझना मुश्किल था। मल्होत्रा साहब ब्रजेश को देखने बाहर निकले। ब्रजेश इस घने अंधेरे में दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दिया। पानी अपने चेहरे से पहुंचते हुए मल्होत्रा साहब ने गाड़ी में बैठ के ब्रजेश को फोन मिलाने के लिए जैसे ही फोन निकाला कि उनका फोन बज उठा। आवाज एक बार फिर से वही थी जिसने थोड़ी देर पहले फोन करके धमकी दी थी। इस बार उसने कहा, फैसला हो चुका है। मल्होत्रा साहब ने ऐसे बहुत वाकये देखे थे अपने 35 साल के करियर में। वो जानते थे कि अब इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है। उन्होंने अपने ड्राइवर ब्रजेश को बार बार फोन लगाया पर उसका फोन नहीं लगा। थक हार कर वो खुद ही आगे ड्राइविंग सीट पर आ गए और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी के वाइपर्स अभी भी खराब ही थे। गाड़ी चलाते हुए मल्होत्रा साहब करीब 2 या 2.5 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि उनकी बाईं तरफ वाला शीशा अपने आप धीमे धीमे खुलने लगा। गाड़ी चलाते हुए सरकारी गाड़ी की इस खराब खिड़की को उठाने के लिए गाड़ी किनारे रोककर मल्होत्रा साहब ने शीशे को चढ़ाया और फिर दोबारा गाड़ी आगे बढ़ाई तो कुछ दूर जाके इस बार पीछे का शीशा धीरे धीरे गिरने लगा। मल्होत्रा साहब ने फिर से गाड़ी रोकी और दोनों शीशे एक एक करके ऊपर चढ़ाए। जैसे ही आखिरी शीशा ऊपर चढ़ाया तो उनकी ड्राइविंग सीट वाली खिड़की पे जोर जोर से किसी ने खटखटाया और आवाज आई, सर दरवाजा खोलिए सर, सर मैं हूं सर ब्रजेश, सर जल्दी दरवाजा खोलिए सर, प्लीज सर जल्दी कीजिए सर। ब्रजेश का हाथ और उसकी शीशे पे पड़ती परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी मल्होत्रा साहब को। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और बोलते हुए निकले, अरे तुम कहां गायब हो गए थे और चीखे क्यों थे? इसके आगे अपनी बात खत्म कैसे करते मल्होत्रा साहब, उन्हें समझ नहीं आया क्योंकि बात करने के लिए ब्रजेश तो क्या वहां कोई भी नहीं था। मल्होत्रा साहब वापस गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट की ही होगी कि एक आदमी साइकिल पे गाता हुआ मस्ती में घंटी बजाता हुआ बगल से लहराता हुआ निकल गया। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। मल्होत्रा साहब अपनी ऑफिस के आखिरी दिन रिटायर होकर जब घर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें फोन पर धमकी मिली। उनका ड्राइवर बीच रास्ते से गायब हो गया और जब आगे जाकर गाड़ी की खिड़की खटखटा के मल्होत्रा साहब से उसे अंदर लेने को कहा तो मल्होत्रा साहब के दरवाजा खोलने पर बाहर कोई नहीं था। मल्होत्रा साहब जैसे ही गाड़ी में वापस बैठे कि उनके पास से एक आदमी घंटी बजाता गुनगुनाता हुआ साइकिल पे आगे चला गया। मल्होत्रा साहब ने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई तो वो आदमी एक सरदर्द ही बन गया। उन्होंने हॉर्न देके दाईं ओर से गाड़ी निकालने की कोशिश की
तो वो लहराता हुआ उस तरफ चला गया। बाईं तरफ निकालने गए तो वो बाईं तरफ चला गया। मल्होत्रा साहब गाड़ी में बैठे बस हॉर्न ही बजाते रहे और वो आदमी अपनी ही दुनिया में मगन था। लहराता हुआ सड़क पे साइकिल चलाता जा रहा था और उसे बाहर हो रही बारिश से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मल्होत्रा साहब कुछ 10 मिनट तक सिर्फ हॉर्न ही बजाते रहे और फिर उसके काफी करीब पहुंच के उन्होंने जोर से ब्रेक लगा के गाड़ी रोकी और बाहर निकल के चिल्लाए, सुनाई नहीं देता, बहरे हो क्या? वो आदमी पलटा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुनाई तो धोखे भी नहीं दिया रहा साहब। मल्होत्रा साहब इस बात पे और भी ज्यादा भड़क गए और बोले, क्या बकवास कर रहे हो, मतलब क्या तुम्हारा? वो आदमी उसी मुस्कुराहट के साथ और बड़े प्यार से बोला, जावा हो साहब जावा, रास्ता नापो, 5-6 किलोमीटर बचा है। मल्होत्रा साहब का गुस्सा अपने पारे को पार कर चुका था, लेकिन इतना कुछ पहले ही हो चुका था कि वो अपना वक्त बर्बाद न करके सिर्फ घर पहुंचना चाहते थे। उन्होंने उस आदमी को घूरा, मन ही मन कोसा और फिर जोर से अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद करके ड्राइव करके किनारे खड़े उस आदमी के बगल से तेजी से निकल गए। मल्होत्रा साहब काफी तेज गाड़ी चला रहे थे, करीबन 1 किलोमीटर ही गए होंगे कि सामने देखा वो आदमी फिर से वैसे ही लहराता हुआ सड़क के एक कोने से दूसरे कोने तक धीमे धीमे साइकिल पे जा रहा था। मल्होत्रा साहब तो क्या, कोई भी होता तो समझ जाता कि ये वैसे कपड़ों में वही आदमी है जो उन्हें थोड़ी देर पहले मिला था। उन्होंने फिर से जोर जोर से हॉर्न देना शुरू किया, लेकिन इस बार फिर से वही हो रहा था। मल्होत्रा साहब ने गुस्से से स्टीयरिंग पे जोर से मारा तो पीछे से आवाज आई, अरे हॉर्न बजाने से कछु ना होगा साहब, हम तो पीछे बैठे हैं। मल्होत्रा साहब की तो जान सूख गई थी, उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी इस वक्त कि वो पीछे पलट के देख लें या शीशे में ही एक बार देख लें। मल्होत्रा साहब ने आंखें बंद की और जोर से ब्रेक्स मार के जैसे ही वो गाड़ी रोक के उतरे और भागने की सोची तो उन्होंने देखा सामने गाड़ी से टकरा के वो साइकिल वाला सड़क पे खून से लथपथ पड़ा था। चारों तरफ खून ही खून था, गाड़ी पे खून के छींटे थे। मल्होत्रा साहब अब पीछे पलटे तो गाड़ी में कोई नहीं था। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से तेजी से गाड़ी लेकर निकले। थोड़ा आगे गए ही थे के पीछे से एक आवाज आई, इट हिट एंड रन केस हुई गवा, अब फिर एक बड़ा आदमी गरीब आदमी को मारे की सजा से गलत आदमी को पैसा खिला के बच जाएगा। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। मल्होत्रा साहब की ऑफिस का आखिरी दिन ऐसा रहा जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। घर लौटते वक्त चलती गाड़ी की खिड़की पे किसी का खटखटाना, उसके बाद ड्राइवर का बरसात में चीखते हुए गायब हो जाना, एक साइकिल वाले का उन्हें बार बार दिखाई देना और कभी उसी साइकिल वाले का मरा हुआ दिखना, तो कभी जिंदा तो कभी अचानक पीछे से उसका मल्होत्रा साहब को आवाज देना। मल्होत्रा साहब की गाड़ी से जब वो साइकिल वाला टकराया तो मल्होत्रा साहब वहां से भागे ही थे कि गाड़ी की बैक सीट से आवाज आई, इट एंड रन केस हुई गवा,
अब फिर एक बड़ा आदमी गरीब आदमी को मारे की सजा से गलत आदमी को पैसा खिला के बच जाएगा। मल्होत्रा साहब बखूबी पहचानते थे इस आवाज को। उन्होंने बिना पीछे या इधर उधर देखे ही गाड़ी का दरवाजा खोला और लगे बेतहाशा भागने उस अंधेरे रास्ते पर। मल्होत्रा साहब भागते भागते आगे जा ही रहे थे कि थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि सामने से एक साइकिल आ रही थी। साइकिल वाला घंटी बजाता हुआ मुस्कुराता हुआ आ रहा था। मल्होत्रा साहब को साक्षात मौत उनकी आंखों के सामने नजर आ रही थी। वो तुरंत वापस मुड़े और अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगे। मल्होत्रा साहब बुरी तरह थके हुए थे और डरे हुए भी थे। शायद मन ही मन जानते थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो हांफते हांफते किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे और पीछे देखा तो वहां एक साइकिल वाला आ रहा था। मल्होत्रा साहब पूरी ताकत लगा के गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ कि तभी फिर से एक बार उन्हें एक आवाज सुनाई दी। दरवाजा हम गरीब खोल दे साहब। इस आवाज को सुनते के साथ ही मल्होत्रा साहब की नींद टूटी और उन्होंने देखा कि उनकी बीवी उनको जगा रही थी। मल्होत्रा साहब पूरी तरह से पसीने से भीगे हुए थे। बीवी ने बार बार पूछा कि आपको हुआ क्या है, तो उन्होंने बताया मेरे 35 साल के जज के करियर में कई बार कुछ फैसले हुए हैं, वो भी ऐसे फैसले जिनमें मेरे हाथ बंधे थे। फैसला देना कुछ चाहिए था, लेकिन सबूतों और गवाहों के चलते मुझे कुछ और देना पड़ा। ऐसा ही एक केस था जहां पर एक गरीब दूध वाले को एक गाड़ी मार के चली गई थी। उसकी एक तस्वीर परसों मेरे लॉकर में जब सारे कागज वगैरह मैं चेक कर रहा था तो मुझे दिखी थी। वो आदमी इकलौता कमाने वाला था, उसके दो बच्चे और बीवी उसकी मौत के बाद सब अकेले पड़ गए और उन्हें इंसाफ भी नहीं मिल पाया। उसके केस में वकील ने पैसे ले लिए थे और उसने केस जानबूझकर कमजोर बना दिया। उसकी बीवी का रोना मुझे आज तक याद है। मैं चाहकर भी उसका इंसाफ नहीं कर सका। वही आदमी आज मुझे सपने में दिख रहा था और मैं बस उससे बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही रहूंगा। मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। उनकी बीवी ने तब उनको समझाया कि वो ऐसा बिल्कुल ना सोचे और मॉर्निंग वॉक करके आए तो मन भी बेहतर लगेगा और ऑफिस भी जाने का दिल करेगा। वैसे भी उन्होंने जो कुछ देखा वो सिर्फ सुबह का एक सपना ही था। मल्होत्रा साहब ने भी सोचा कि बात तो सही है, सपना ही तो है एक, इसलिए अपना ट्रैक सूट पहना निकल पड़े सुबह की सैर पे। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, सुबह की ठंडी ताजी हवा, ये सब कुछ मिलके भी उन्हें उतना खुश नहीं कर पा रहे थे जितना उन्हें होना चाहिए था। मॉर्निंग वॉक करते करते वो घर के पास पहुंचे ही थे
कि पीछे से एक आवाज आई। साइकिल आकर उनकी आंखों के सामने रुकी और एक जानी पहचानी आवाज ने कहा, कभी कभी सुबह सुबह देखे सपने सच भी हो जाते हैं। इतना सुनते के साथ ही मल्होत्रा साहब वहीं जमीन पर गिर पड़े। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।